नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ईश्वर से संपर्क सदैव ध्यान के दौरान या फिर पूजा पाठ के दौरान ही क्यों होता है, किसी सर्कस में या किसी सब्जी बाजार में क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि आज तक जिस किसी को भी ईश्वर मिले हैं वो उन परिस्थितियों में मिले हैं जब शांति होती है, जब मन पूर्णतः शांत होता है, उत्तेजना समाप्त हो चुकी होती है और कलयुग में ईश्वर के संकेतों को समझ पाना मुश्किल होता जा रहा है, ईश्वर से संपर्क बैठा पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ईश्वर किताबों के माध्यम से बातें नहीं करते, ना ही भाषा के माध्यम से बातें करते हैं। ईश्वर तो बातें करते हैं अनुभवों के माध्यम से, और अनुभवों को समझ पाना, उसके ज्ञान को बटोर पाना असंभव है जब तक कि आपका शांत चित्त नहीं है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऐसे कुछ खास संकेतों की, जो यदि आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये एक ब्रह्मांड का इशारा है आपके लिए और ईश्वर ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है। तो इन संकेतों को समझना, इनके इशारों को समझ पाना आपके लिए बेहद आवश्यक है, ताकि आप ईश्वर के द्वारा भेजे गए उन विशेष संकेतों को समझ सकें। तो सबसे पहला जो संकेत हमें मिलता है ब्रह्मांड की तरफ से, वो है लगातार संयोगों का जीवन में घटित होना और बार बार घटित होना। यदि आपके जीवन में कुछ खास घटनाएं बार बार घट रही हैं, तो ये संकेत है ईश्वरीय ऊर्जा का, कि ये आपकी ऊर्जा के साथ बहना शुरू हो गई है। कई बार हम इसे सिर्फ संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि ये संकेत है इस ब्रह्मांड का कि आपके जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे आपने किसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हों, आप उससे मिलने के बारे में सोच रहे हों, और वो इंसान अचानक आपके घर आपसे मिलने आ जाए बिना आपको सूचित किए, या आप कहीं जा रहे हों, कुछ बहुत दिनों से आप योजना बना रहे हों कहीं जाने की, घूमने फिरने की, और अचानक ही आपके दिमाग में ऐसा विचार आ जाए कि आपको आज नहीं जाना है और आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। बाद में जाके आपको पता चलता है कि वो गाड़ी जिसमें आप जाने वाले थे वो तो खराब हो गई थी, या उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का इशारा है आपके लिए कि दैवीय ऊर्जाएं आपके साथ हैं। तो कभी भी यदि ऐसा कुछ आपके जीवन में बार बार घटित हो रहा है, तो उसके पीछे के कारण को आप समझने की कोशिश करिए, ब्रह्मांड के इशारों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपकी मदद करना चाहती हैं। दूसरा संकेत है किसी विशेष स्वप्न का बार बार देखना, या किसी विशेष घटना का बार बार नींद में देखना। किसी भगवान की, किसी देवी देवता की मूर्ति का स्वप्न में बार बार आना, या किसी भी चीज का स्वप्न में बार बार आना, तो ये एक खास इशारा है ब्रह्मांड का आपके लिए। अगर किसी देवी देवता के बार बार आप सपने में दर्शन कर रहे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संकेत है कि आपको ईश्वर ने चुना है किसी खास उद्देश्य के लिए और आप ईश्वर के अत्यंत प्रिय हैं। स्वप्न में किसी सन्यासी का या साधु का बार बार दिखना, या श्वेत वस्त्र पहने हुए किसी दिव्य पुरुष के बार बार दर्शन करना, ये संकेत है हनुमान जी की कृपा का और शिव भगवान की कृपा का। इसी प्रकार स्वप्न में बार बार छोटी कन्याओं के दर्शन करना और भगवती का स्वप्न में बार बार दिखना, ये संकेत है माँ की विशेष कृपा है आपके ऊपर। और इसी प्रकार कुछ ऐसे संकेत आपको स्वप्न मिल सकते हैं जो इशारा करते हैं कि आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, जैसे बंद ताला यदि आपको सपने में दिख रहा है, या खाली टब आपको बार बार सपने में नजर आ रहा है, तो ये इशारा है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ अशुभ आपके जीवन में होने वाला है। तीसरा संकेत, यदि पूजा में आपके बार बार विघ्न आ रहे हैं या पूजा में आपका मन नहीं लग रहा, तो ये भी एक संकेत है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का कि आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये इशारा है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का कि आपको अपना तप, अपना बल, अपना नाम जप और बढ़ाना चाहिए, हार मानकर आपको बैठना नहीं है।
ईश्वर की सत्ता के प्रति मन में किसी भी प्रकार की शंका मन में आपको नहीं लानी है, क्योंकि जो विघ्न आपकी पूजा में आ रहे हैं ये दो कारण से हो सकते हैं। पहला ये कि आपकी परीक्षा ईश्वर ले रहे हैं, आपके संकल्प की शक्ति की परीक्षा, आपकी भक्ति की परीक्षा हो रही है, कितना दृढ़ आपका विश्वास है अपने ऊपर, इसकी परीक्षा हो रही है। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी भक्ति के मार्ग पर बाधा डाल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने तप के बल को, अपने साधना को, अपने नाम जप को और बढ़ाना है। और यदि ईश्वरीय परीक्षा हो रही है, तब भी आपको अपने तप को, अपने बल को और साधना को बढ़ाना है, उस पर दृढ़ रहना है, ताकि नकारात्मक शक्ति यदि बाधा पहुंचा भी रही है तो उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाए, वो समाप्त हो जाए। और यदि परीक्षा आपकी चल रही है तो आप ईश्वर की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, आप उसमें खरे उतरे। और एक बार आप इस परीक्षा में सफल हो गए तो जन्म जन्मांतर तक दैवीय कृपा आपके साथ ही रहेंगी, हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेंगी और हमेशा आपकी मदद करेंगी, बशर्ते कि आप हमेशा सच्चाई की राह पर चलिए। चौथा संकेत जो ब्रह्मांड से हमें मिलता है वो ये है कि जब मन में भक्ति के भाव स्वयं ही पैदा होने लगे, जब मन ही मन ईश्वर भक्ति की तरफ झुकने लगे, मन खींचने लगे, किसी विशेष देवी देवता की तरफ मन खींचने लगे, उनकी तस्वीर या मूर्ति को देखकर आप भाव विभोर हो जाएं, आपकी आंखों से अश्रु बहने लगे, उनके भजनों को सुनकर, उनके मंत्रों को सुनते ही आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है दैवीय ऊर्जाओं का कि आपको ईश्वर ने चुना है किसी खास उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य है कि आपको भक्ति के मार्ग पर अब आगे बढ़ना है, अपना आध्यात्मिक विकास करना है, और स्वयं की मदद के साथ अन्य जो लोग हैं उनकी भी मदद करनी है, उनको भी रास्ता दिखाना है, उनका मार्गदर्शन करना है। तो ब्रह्मांड के इन इशारों को आपको समझना चाहिए। और ये जो ब्रह्मांड है ये असीमित ऊर्जाओं से और रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप से, अपने बल से, अपने असीमित ज्ञान से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं, हमारा इस प्रकार अमूल्य मार्गदर्शन किया है और ऐसा रास्ता हमें दिखाया है कि जिस पर चलकर हम इन दैवीय ऊर्जाओं से संपर्क बिठा सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम।